नमस्कार साथियों, काजन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आ गया हूँ स्टेप थ्री की वीडियो लेकर के। स्टेप थ्री में हमने बोला था कि कंपोस्ट मिक्सिंग करने के बाद कहाँ रखा जाता है और कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, वो सारा इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। चलिए करते हैं स्टेप थ्री की वीडियो स्टार्ट। ठीक है, ये कंपोस्ट हमारा मिक्सिंग होकर के एक दिन रेस्ट के लिए हमने इसको ऊंचा ढेर लगा करके छोड़ दिया गया था। अब वो छोड़ दिया गया था, अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर भरेंगे बंकर में। उसको हम बंकर बोलते हैं जिसमें इसको भरते हैं, उसमें हवा का प्रेशर इरिगेशन चलता रहता है। चलो मैं अब बंकर भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बंकर है, इसमें हवा सर्कुलेशन हो रहा है। ये देखिएगा, हवा प्रेशर से चल रही है। इसमें एयर ब्लोअर इसका पीछे लगा हुआ है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अब बात आती है इसको कितना टेम्परेचर देना होता है और हवा का प्रेशर कितना होता है, वो सारा इसी वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। अभी देखिएगा, ये भरा जा रहा है बंकर, वहाँ से आ रहा है उठ करके कंपोस्ट और यहाँ पे बंकर में भरा जा रहा है। ये देखिएगा, हर होल में हवा प्रेशर है। और एक चीज़ का बहुत मुख्य ध्यान रखना होता है, यहाँ पे भरते समय बंकर का ब्लोअर कभी बंद ना करे, नहीं तो हवा का इरेशन रुक जाएगा वो, क्योंकि होल में पानी जाएगा और इसकी खाद की जो होगी वो बैठ जाएगी। अगर हवा नहीं चलेगी इन होल में तो ये होल बंद हो सकते हैं, फिर वहीं पे खाद हमारी अनॉर्बिक रह जाती है। ये देखिएगा, जेसीबी से उठा करके वहाँ पे भर रहे हैं इसको। ये हमारा स्टेप थ्री का वीडियो कम्प्लीट होने जा रहा है और इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो भी मैं अभी दिखाऊँगा कि ब्लोअर और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और हवा का प्रेशर भी की भी मैं बात करूंगा कि कितना रखते हैं कितना नहीं रखते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो कंपोस्ट बनाना सीखना चाहते हैं, हमारी सारी वीडियो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर, जब तक हमारा मशरूम उगेगा नहीं और मशरूम मार्केट में जाएगा नहीं, तब तक की वीडियो हमारी स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर ऐसे करके स्टेप बाई स्टेप आती रहेंगी। तो अभी आपने ये तो देख लिया, मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे जहाँ पे इसका एयर ब्लोअर लगा हुआ है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। आपको अभी एयर ब्लोअर के पास में लेके जा रहा हूँ, जो इसको एयर देता है ताकि खाद हमारी सड़े नहीं है। अगर ब्लोअर नहीं चलाएंगे तो हमारी खाद सड़ जाएगी। ये देखिएगा, ये इसका एयर ब्लोअर है। ये देखिएगा, ये इसका हेडर है जो होल में निकल रही थी, यहाँ से हवा जा रही है। ठीक है, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो बात आती है टेम्परेचर की और एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर हमने उतना रखना होता है इसको, एक तो इसको खाद हमारी ठंडी ना हो और प्लस खाद में हवा निकलती रहे ताकि खाद सड़े नहीं, तो इस हिसाब से हमने एयर प्रेशर चलाना होता है। और इसमें एक टाइमिंग भी होता है, जैसे आप 15 मिनट ऑन ऑफ रखेंगे इसको ब्लोअर को भरने के लेवलिंग होने के बाद, यानी कि अभी से बंद कर देंगे, अभी बंद नहीं करेंगे इसको। इसको ब्लोअर को ऑटो में हम डाले हुए हैं, इसको 15 मिनट बंद रहेगा बाद में जब लेवल हो जाएगा, और 3 मिनट चलेगा। अगर खाद का टेम्परेचर हमारा हाई जा रहा है तो इसको हम 4 मिनट चलाएंगे, 15 मिनट बंद करेंगे। अगर और हाई जा रहा है टेम्परेचर तो 5 मिनट भी चला सकते हैं इसको, 15 मिनट बंद कर सकते हैं। या खाद का टेम्परेचर अगर कम आ रहा है हमारा तो हम क्या करेंगे, 20 मिनट ऑफ कर देंगे और 3 मिनट चला देंगे, 1-4 मिनट चला देंगे। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उसको बंकर को चलाना। और कंटिन्यू आधा घंटा बंद भी नहीं रख सकते, नहीं तो खाद में हमारी बैड स्मेल पैदा होगी और खाद गलत तरीके से सड़ने लगेगी। सड़ाना तो होता है बंकर में खाद को, लेकिन गलत तरीके से सड़ने लगेगी, उसका बैड स्मेल का गलत प्रभाव पड़ेगा। तो अब बात करेंगे हम टेम्परेचर की। तो इसको फर्स्ट बार अभी भरा जा रहा है बंकर में, तो इसका टेम्परेचर हमारा अभी कितना होना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। इसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री के बीच होना ही चाहिए। अगर कम बढ़ती हो रहा है टेम्परेचर तो एयर ब्लोअर को उसी हिसाब से हमने चलाना होता है। हमने डिपेंड करता है, एक तो खाद में सड़न पैदा ना हो, इरेशन पूरा होना चाहिए, और दूसरा
लेकर हमने लाना होता है। तो स्टेप फोर में मैं सेकंड टर्निंग वाले दिन इसकी वीडियो बनाऊंगा, जो एक दिन का रेस्ट दे करके कल को रेस्ट रहेगा, परसों हमारी स्टेप फाइव की वीडियो आएगी जिसमें इसकी फर्स्ट टर्निंग होगी इस बंकर से, उस बंकर में ये जाएगा। ठीक है, चलते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी है, इजाज़त दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाइयों को हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।